इस बहन का नाम रमनदीप कौर है और ये लुधियाना से आए हैं और इनकी मम्मी का नाम परमजीत है। और सबसे पहले इनकी मम्मी जो प्रभु को जाने 2018 जब अभी पास्टर जी का फेस नहीं आया था सामने, ऑनलाइन प्रार्थना होती थी सुबह और शाम की। और ये बताते हैं कि 2028 में हम यही प्रार्थना को सुनते सुनते हम प्रभु को जाने हैं। और आज बताते हैं कि ये पूरा परिवार विश्वास में दृढ़ है, मजबूत है, ऑनलाइन के जरिए ही आज तक इनके मम्मी यहाँ पर नहीं पहुँचे, चर्च भवन में नहीं आए, पर विश्वास के साथ हर एक प्रार्थना सभा के साथ कनेक्टेड है। प्रभु ने अद्भुत रीति से बहुत सारी गवाहियाँ हैं, पर जो मेन गवाही ये देने के लिए आए हैं वो है इस सिस्टर के मामा जी की गवाही, इनकी मम्मी के ब्रदर की गवाही। ये बताते हैं कि इनके मामा जी की किडनी और लीवर में इन्फेक्शन होने की वजह से वो जो किडनीज और लीवर हैं वो दोनों स्वेलिंग हो गए थे, जिसकी वजह से वो ना तो अच्छे से चल फिर पा रहे थे, ना ही कुछ खा पी पा रहे थे, और जो खाया पिया था वो डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता था, पचता भी नहीं था, और उन्हें सांस लेने में भी प्रॉब्लम आती थी और वो सो लगातार सोए ही रहते थे। हालेलुया। पर ये बहन बताते हैं कि इन्होंने आज तक इनकी मम्मी कभी भवन में नहीं आए, जैसे जैसे पास्टर जी ऑनलाइन प्रार्थना करते रहे कि आपके घर में जो पानी है, जो तेल है, उसे ले के बैठो, हम प्रार्थना करते हैं। तो ये बताते हैं कि इनके मम्मी लुधियाना से अब आसाम गए हैं, जो कि इनके मामा की किडनीज में और लीवर में प्रॉब्लम होने की वजह से, स्वेलिंग होने की वजह से पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी, और डॉक्टर ने बोला था कि इनका कोई बचने के चांसेस नहीं है, आप इन्हें घर ले जाओ, इनकी सेवा करो। और ये बताते हैं कि इनकी मम्मी बड़े विश्वास के साथ वहाँ पर गए, यहाँ से जो वो लगातार अपने घर में बैठ के प्रार्थना के ज़रिए सुबह शाम की प्रार्थना, शुक्रवार शनिवार रविवार की हर एक प्रार्थना, जो स्पेशल प्रेयर सर्विस होती हैं उनका भी हिस्सा बनते बनते कहते हैं कि वो तेल जो वो ले के बैठते थे, वो पानी जो वो ले के बैठते थे, वही तेल वही पानी ले के इनकी मम्मी आसाम गई हैं। और ये बताते हैं कि अब इनके मामा जी ने रिकवर करना शुरू कर दिया है, उन्हें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से खा पी रहे हैं, और जो खाते हैं वो उन्हें पचता भी है, अच्छे से अब वो उठते और बैठते हैं, चलते हैं, और अच्छे से वो सांस ले पा रहे हैं, इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसका वचन कहता है कि वो हर जगह मौजूद है, और सच में हमारे परमेश्वर ने बड़ा मौजजा किया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है कि स्वर्गदूत उसने हमारी मदद के लिए भेजे हैं। जैसे इनकी मम्मी को परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर के जरिए इनके मामा जी के जीवन में इस्तेमाल किया, जबकि वो भी प्रभु को नहीं जानते, सिर्फ और सिर्फ इनके मम्मी का विश्वास, जो कि आज तक ऑनलाइन ही हर एक प्रार्थना सभा को सुन रहे हैं, हर एक वर्शिप का हिस्सा बनते हैं, परमेश्वर ने अद्भुत और बड़ा काम किया है इनके पूरे परिवार के जीवन में और इनके मामा जी के जीवन में। इस बड़ी और मार्वलस और अद्भुत गवाही के लिए सभी जन जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। तेरा वचन यीशु, तेरा वचन यीशु, सच्चे रब नाल जोड़ दाए।